जय श्री राम, 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 और मुंड पकड़ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में उपद्रवियों द्वारा मंदिर के गर्भगृह में घुसकर 400 साल पुरानी भगवान राम की प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। यह प्रायोजित घटना आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के नेल्ली मरला मंडल में एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर की है। मूर्ति राम तीर्थम गाँव के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित बोडिकोंडा कोदंडाराम मंदिर में विराजमान थी। कथित तौर पर उपद्रवी ताला तोड़कर मंदिर के गर्भगृह में घुसे और स्वामी कोदंडाराम मुडू का सिर काटकर अलग कर दिया। यह घटना सामने आई जब मंदिर के पुजारी नियमित अनुष्ठान के लिए मंगलवार यानी 29 दिसंबर 2020 को सुबह मंदिर में जाते हैं। पुजारियों को राम तीर्थम में बोडिकोंडा पहाड़ी पर प्राचीन सीता लक्ष्मण कोदंडाराम मंदिर के दरवाजे खुले मिले और गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति का सिर धड़ से अलग दिखा। मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। अगले दिन बुधवार को क्षतिग्रस्त किए गए हिस्से को पुजारियों द्वारा पास के तालाब में प्रवाहित कर दिया गया। जय श्री राम, 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 और मुंड पकड़ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा बताया जाता है कि यह मूर्ति 400 साल पुरानी थी। मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा के साथ ही माता सीता और लक्ष्मण की भी मूर्तियां विराजमान हैं। घटना के सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार पर मुस्लिमों और ईसाई के तुष्टीकरण करने का आरोप और अधिक पुख्ता होता नजर आ रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। जैसे मंदिरों पर हमला उनकी ही छत्र छाया में हो रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीमों ने सबूत इकट्ठे किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच सभी संभावित एंगल से की जा रही है। मीडिया से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक राजा कुमारी ने कहा कि घटना सोमवार को मंदिर के बंद होने के बाद की हो सकती है। ये कल यानी कि मंगलवार को हमारे संज्ञान में आई। अज्ञात बदमाशों ने भगवान राम की मूर्ति का सिर अलग कर दिया। अभी तक आरोपियों का पता नहीं चला है। टीमें मामले का जांच कर रही हैं। मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने के पीछे का मकसद के पूछे जाने पर एसपी ने कहा कि यह घटना दुर्घटना की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि इरादन किया गया कृत्य जान पड़ता है। हालांकि फिलहाल इस बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि इसके पीछे इरादे क्या थे। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने बयान देते हुए कहा कि जिस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, हमारे राज्य में भगवान राम की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। मूर्ति के सिर को अलग करना एक पागल व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है, यह धार्मिक उन्मादियों का कृत्य है। राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर लापरवाह है, इसकी वजह से यह घटना हुई है। उन्होंने पूछा कि मंदिर पर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वे आखिर क्यों चुप हैं। नेल्ली मारला के विधायक बी प्रलाप नायडू ने मंदिर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। रामतीर्थम परिक्षेत्र परिषद के अध्यक्ष श्रीनिवासानंद स्वामी ने भी मंदिर का दौरा किया और कहा कि इस अपमानजनक घटना से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार को इस मुद्दे पर तेजी से काम करना चाहिए और जनता में विश्वास पैदा करना चाहिए। राज्य के सभी मंदिरों को सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष आर पावनी और टीडीपी के स्थानीय नेता एस रविशेखर ने अन्य लोगों के साथ मंदिर का दौरा किया। घटना स्थल पर जाकर उन्होंने धरना भी दिया। राज्य सरकार से अपराधियों को पता लगाने और कड़ी सजा देने और राज्य में मंदिरों की सुरक्षा मुहैया कराने की उन्होंने मांग भी रखी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में लगातार हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। इससे पहले चित्तूर एक शिव मंदिर पर भी उपद्रवियों ने हमला किया था। इस हमले में नंदी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हम इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक देश जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उसी देश में हर दूसरे दिन किसी ना किसी मंदिर में तोड़फोड़ करने की खबरें आती रहती हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये खबरें पहले उन जगहों से आ रही हैं जहां पर एक खास विचारधारा के लोग रहते हैं, जो कट्टरपंथी हैं, हिंसक हैं और अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ये विचारधारा रेगिस्तान की तरह अपनी सीमाओं को लांग कर हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ती है, हमारी सहिष्णुता को परखती है। ये सब ऊपर से कंट्रोल होता है। सबसे पहले जनसंख्या में बदलाव किया जाता है, फिर धीरे धीरे कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद हिंदुओं को मान सम्मान, संस्कृति और आस्था के केंद्र मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि ये घटना कहीं दूर पर घट रही है। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो जो कश्मीर और कैराना में हुआ वह भारत के किसी और हिस्से में भी देखने को मिलेगा। इसलिए हर छोटी से छोटी घटना पर अपनी आवाज उठाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हथियार उठा लीजिए,
अपितु आप सभी लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।